एक फिल्म बनाने में बहुत लोग लगते हैं, उन सारे लोगों की मेहनत लगती है, लेकिन दुख होता है जब कुछ लोग उन फिल्मों की पायरेसी करके देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, इस ईद ऑडियंस की कमिटमेंट मांग रहे हैं सलमान खान, एंड कमिटमेंट ये है कि आप इस फिल्म को, राधे को, उसके प्रॉपर करेक्ट प्लेटफॉर्म पे देखें, ना ही की पायरेसी करके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेगा स्टार सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के बारे में। इसके 5 नए पोस्टर रिलीज किए गए हैं एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट शॉट इन द हेड ऑफ द प्रमोशंस फॉर राधे और मोस्ट वांटेड भाई। एंड इन प्रोमोस के साथ इसके जो प्रमोशंस है वो खत्म होकर रात को आज 10:30 बजे ये फिल्म जनता के हवाले चली जाएगी इन दुबई, एंड उसके बाद कल सुबह इंडिया की जितनी भी जनता है वो इस फिल्म को देखना शुरू कर देगी 12 बजे। लेट्स सी एक प्रोमो और आता है नहीं आता, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दीज आर लास्ट पोस्टर्स बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म। एंड गाइस, सलमान खान का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है, नो पायरेसी इन एंटरटेनमेंट। सलमान खान फिल्म चैनल पे उन्होंने स्पेसिफिकली ये जनता को कमिटमेंट करने के लिए कहा है कि ये ईद और राधे बराबर Z5 प्लेटफॉर्म पे जाकर देखेंगे, ना ही कि पायरेसी करके। सलमान भाई जितने भी फैंस हैं, जो लॉयल फैंस हैं, वो ये बात को गांठ बांध लेंगे एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि उनसे पायरेसी जरा भी नहीं होगी। न्यूट्रल ऑडियंस जो भी है उन सबसे विनती है कि अपने पायरेसी को कंट्रोल कीजिए एंड प्लीज Z5 पर जाकर ये फिल्म खरीद कर देखिए, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद द फर्स्ट पोस्टर। लुक एट दिस गाइस, आई मीन दिस इज द फर्स्ट पोस्टर मटेरियल, यानी कि जो प्रमोशन शुरू होने चाहिए थे वो इसी पोस्टर से शुरू होने चाहिए थे। इसको दो फॉर्म में दिया है, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। जो लंबा स्टैंडिंग पोस्टर है, डेफिनेटली जितने भी सलमान खान के फैंस है, दिस इज गोइंग टू बी योर मोबाइल वॉलपेपर मटेरियल, बिकॉज दिस इज लुकिंग अ ट्रू डिलाइट। सलमान खान फुल जूम्ड आउट मोड, द हेयर लुकिंग नाइस एंड फ्लफी विद द बंदाना ऑन हिज हेड, द गन पॉइंटेड टुवर्ड्स यू, फुल वॉन्टेड वाइब्स है। वेल फ्रेंड्स, लोग भूल रहे हैं कि वॉन्टेड को बन के ऑलमोस्ट 11-12 साल हो चुके हैं। एक आदमी को अपना लुक इतना साल मेंटेन करना, वो भी एट 55, इज नॉट वेरी इजी, एंड ही इज लुकिंग सो गुड इन दिस। लेकिन लुक एट द पोस्टर बिलो, आई मीन यू कैन सी एवरीवन, राइट फ्रॉम गौतम गुलाटी टू सुधांशु पांडे टू प्रवीण तारड़े, संगय शेलत्रम, सब नीचे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसने भी ये पोस्टर डिजाइन किया है, ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस पोस्टर, बहुत ही बेहतरीन है। दूसरा पोस्टर इज द ग्लास शटरिंग पोस्टर, ये जी स्टूडियो ने रिलीज किया, सलमान खान ब्लास्टिंग द ग्लास समय, ऑब्वियसली VFX यूज किया है, ऑन सेट पिक नहीं शूट कर पाए होंगे लोग, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ग्लास को VFX की तरह तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सलमान खान, फाड़ रिलीजिंग टुमारो, प्रीमियर्स एट 12 noon। सेकेंड पोस्टर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। थर्ड पोस्टर ऑब्वियसली है नो पायरेसी इन एंटरटेनमेंट, सलमान खान इन इज बीइंग ह्यूमन टी शर्ट कमिंग एंड टेलिंग द ऑडियंस के पायरेसी मत करना इस फिल्म की। एंड दिस वन इज अ स्लैंटिंग पोस्टर, अभी देख सकते हो सलमान भाई के नीचे जितने भी गैंगस्टर्स है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट द लास्ट पोस्टर रिमाइंड्स मी ऑफ ओनली वन फिल्म, गर्व, जफर सुपारी। वेल फ्रेंड्स, ये लुक पूरा का पूरा गर्व जैसा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 2004-2005 चल रहा है, जबकि 2021 चल रहा है। सलमान खान इज लुकिंग स्ट्रेट आउट ऑफ गर्व, ऐसे ही लुक एंड ऐसी टी शर्ट उनको गर्व में दिया गया था। यहाँ पे इज लुकिंग फैबुलस इन अ ब्लैक टी शर्ट, द गोल्डन चेन। अब ये गोल्डन चेन का क्या महत्व है कल पिक्चर में पता चलेगा, क्योंकि एक सीन में संगय भी पहनते हुए दिखाई दिया था ऑन सेट, तो क्या होता है, क्या वो ये गैंग में आता है, पुलिस को हेल्प करता है, कल मजा आएगी पिक्चर में, फुल ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस होंगे फिल्म में, देखने लायक होगा। गन्स देख सकते हो, सलमान खान को पॉइंट की गई है। सो गाइस, 5 पोस्टर्स राधे और मोस्ट वांटेड भाई, अब ये फिल्म ऑलमोस्ट रात को आप सभी लोगों के हवाले चली जाएगी, स्पेशली इन दुबई, बिकॉज इट्स प्रीमियर इज गोना स्टार्ट इन लेस देन ऑलमोस्ट 5 आवर्स। साइनिंग ऑफ वेरी सून, एंड देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।